बीएन 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि चमत्कार को नमस्कार। आज हम एक ऐसे धार्मिक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर इतने सारे चमत्कार हुए हैं, इतने सारे चमत्कार हुए हैं कि हम उनके बारे में गिनाने बैठे तो समय थोड़ा पड़ जाएगा। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु पहुँचे हैं और फिलहाल यहाँ के जो महंत हैं, सेवक हैं, वो तपस्या पे बैठे हैं और तपस्या पे बैठे हैं। जैसे जैसे उनकी तपस्या खत्म होगी, गर्मी में आम लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन इस डेरे के अंदर जो महाराज जी हैं वो शिखर दोपहर में तपस्या पर बैठते हैं। जैसे कि करीब 11:15 बजे वो तपस्या बैठते हैं और 1:15 बजे वो तपस्या से उठते हैं, और इसके बीच वो किस तरह से अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, और जो यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं किस तरह से गुरु जी की सेवा करते हैं, और जो चमत्कार को मैं नमस्कार कह रहा हूँ कि यहाँ पर इतने चमत्कार हुए हैं, वो सारी बातें जानेंगे हम गुरु जी से और जो यहाँ के सेवक हैं। तो सभी से अपील करूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम ये चमत्कार आपको लाइव भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जो हुआ है वो चमत्कार भी हम आपको दिखाएंगे खुद लोगों से, क्योंकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो झूठ बोल देते हैं। करीब 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। खुद उन बुजुर्गों की जवानी, जो चमत्कार हुए हैं वो आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे और कोई चमत्कार हुआ है और किस तरह से चमत्कार हुए हैं, और उसको लेकर अब इस धार्मिक स्थान की क्या महिमा है, क्योंकि जो सच्चे मन से यहाँ पर अरदास मांगता है उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। और यहाँ से सैकड़ों बच्चे, जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है विदेश में जाने का, तो उन सब की मनोकामना पूरी हुई है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है वो है शराब। आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि जब आप इस मंदिर में यहाँ पर शराब चढ़ती हुई देखोगे, और लोगों की जो आस्था है उसको लेकर हम जानेंगे लोगों से। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं अंदर। और तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे कि जो बात हमने कही थी आपको कि आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक स्थान पर लेकर आए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से आज भी गाँव के लोग अपनी जुबानी सुना रहे हैं, और चमत्कार एक नहीं बहुत सारे चमत्कारों के बारे में जानेंगे। आखिर इस स्थान की महिमा क्या है, क्यों लोग आज भी इस धार्मिक स्थान के चमत्कारों की जय जयकार कर रहे हैं। एक और गर्मी कह रही है कि बस आज ही सबको अपनी ताकत दिखाऊंगी, तो वहीं दूसरी ओर तपस्वी बाबा नागेंद्र गिरिजी महाराज गर्मी का घमंड तोड़ रहे हैं। एक तरफ लोग ऐसी हालत में अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, वहीं दूसरी ओर तपस्वी नागेंद्र बाबा 5 धुनों के अंदर तप कर रहे हैं, और गांव के लोग बाबा की तपस्या में भाग लेकर जैसी श्रद्धा होती है वैसी सेवा कर रहे हैं। बताया गया कि नागेंद्र बाबा की जैसे ही 100 महीने की तपस्या पूर्ण होगी तो गांव में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा, और इसके बाद अटूट भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें जो भी दानी सज्जन दिल खोलकर दान दे सकते हैं। और संत कबीरों ने भी कहा है कि दान देने से कभी धन नहीं घटता, और परमात्मा के शुभ कार्य में दिया हुआ दान अमृत के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तपस्वी नागेंद्र बाबा गिरी जी 5 धुनों के अंदर तप कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये तप कर रहे हैं ऐसा लगता है मानो इनका सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इतने सारे चमत्कार हुए हैं, जो सेवक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे हम जानेंगे। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नागेंद्र बाबा, तपस्वी बाबा 5 धुनों के अंदर तप कर रहे हैं नगर की सुख शांति के लिए। तो ये बातचीत करते हैं लोगों से, आखिर क्या है इस धार्मिक स्थान की महिमा और क्यों आज भी लोग इस धार्मिक स्थान के चमत्कारों की जय जयकार कर रहे हैं। बता दो। चैन सिंह। गांव गंगा टेढ़ी। अच्छा, गंगा टेढ़ी पोपड़ा दोनों। हां, इकट्ठे। बताओ, बीउरा माने ने सुना है कि बीउरा जो भी मन्नत मांगी है ना वो पूरी हुई है, चाहे विदेश जान की भी हो। हां, वो सारी पूरी हुई है, कि यही मनोकामना सबकी पूरी हो, सिद्ध सिद्ध नीता। हां, कोई चीज खा नहीं जाता। अच्छा, बाबा दरबार है ऐसी ले गई। कोई इससे स्पेशल भी है बीउरा भैया, चीज चढ़ावांगे जब जाएगा मनोकामना पूरी होगी, कोई ऐसी धारणा है? दारू दारू की जरा चढ़ेवा। अच्छा, दारू हुआ, वो सारी चीज चढ़ा दे, कोई ना नहीं की चीज। प्रसाद भी चढ़ागा, लेकिन मेन चढ़ावा जो है दारू हुआ, बाबे दारू ले यार दे, वो दारू का छींटा लागे। टड़ी से जो ये महाराज है नागेंद्र का नाम है, 5 साल से देवी के मंदिर में ले बाबा के दरबार में बैठे हैं, बाबा सिड़ी के, और 3 साल ही तपस्या कर रहे हैं, 3री साल ही भी है। हाँ, जो ये है ना नखांदे कुछ नहीं खाना, नान छोड़ रहे हैं, जिस तरह ले
थोड़ा बहुत दूध ले लें, चाय ले लें या सब्जी ले लें, इसके बगैर बस और कुछ लेते हैं। कद तक कद लग बैठे हैं ये तो ले लें 11 बजे बैठ जाए तो ले लें 1-1:00 बजे उठ लें। हाँ जी, कितने दिन बैठे हैं? 41 दिन बैठे हैं। 41 दिन? हाँ जी, 41वें दिन इसका भंडार हो जाएगा। दिन होगा नहीं, इसके 51 गोश्त हो जाएंगे प्रति दूने में। अच्छा, हाँ, शुरुआत कहाँ तो हुई थी? तो इसकी 21 हुई थी जी। 21 शुरुआत हुई। हाँ जी, हर दिन बढ़ाओ, हर दिन एक गोसा बढ़ता हुआ है सारे दूने में। हाँ जी, हर एक जितने 5-5 दूने तो मस्त है, हर एक दूने में 5 ले एक गोसा बढ़ता चला जाएगा। इन घने साल हो गए जी, इसने मतलब यूं था कि वो छाइन में रहा करता, वो जी ना तो किसी का कदे मांगण गया, वो ऐसा था जी बचन का बस ले चलिया गया तो आ गया, उसके सामने लुगाई नहीं आवे थी जी। और जो आदमी यू भी कोई रास्ता जो लुगाई नहीं उसके सामने डरिया कर दी जी, मानस भी डरिया करती जी, डेरे में आ गया नहीं आदमी तो वो अड़बड़ा के बोलिया करता, कौन है, क्यों आया, के बात है, नाम लेके बोलिया करता, फलाने कहाँ जी। तो जी हमने उसके चमत्कार ऐसे देखे, उस चमत्कार फिर ये नागेंद्र गिर जी आ गए जी, साई इतना दीजिए जितना कुटुब सुहाए, ना मैं भूखा रहूँ ना कोई भूखा जाए करदा, रहा लुआ भी हमको खड़ा करदा। एक दिन मैंने सज्जे हाथ में 7 कांकर, खब्बे हाथ में 5 कांकर, और मैं आया मैंने देख कर नहीं बोला ये 5 कांकर उर्ली घेर दे, 7 ये घेर दे, और ये बाल्टी उठा के पेड्डा में घेर, 2 जने आने लग रहे, मिठाई भी ले रहे हैं, एक बोतल ले रहे हैं, बोतल मैं पीऊँगा मिठाई तो खाइए। तो जी 15 मिनट के बाद में 2 आए दिल्ली तक 2 आए। तो जी हाँ भाई सट्टा पूछना है ना, महाराज जी सेवा करना है, करो भाई सेवा। तो जी उन्होंने उसकी वह बोतल दे दी और वो मिठाई दे दी। तो जी भाई बैठा बता दिया, मतलब आन तो पहले बता दिया था भाई, 2 आनू बोला भाई जितने बैठे डेरे में से चले जाओ, क्यों के भाई बिरजू चुमार है पोपड़े में मखाजी से, नहीं बोला 12 तारीख न मरेगा दो और मरेंगे सारे भाग जो यहाँ थे। हम जी सारे चले गए। अगले दिन वो जो उनसे 2 जने आए थे ना, बहुत मार ले आए, और उन सट्टा बता कर दे, वो एक बता कर दे, वो दोबारा नहीं बता कर दे। और जो आदमी एक बार देख लिया भूलिया नहीं करें थे, चमत्कारी थे वो। और जी उसके बाद में हमारा तो इतना प्रेम है, हम यहाँ डेरे में जरूर आते हैं, समाधि की धोख लगाते हैं देवी माई का, फिर महात्मा बुद्धगर जिया ने जमाने में फिर ये देवी का मंदिर भी बनाया यहाँ पर। वो जी सच्ची हुई जी, सच्ची वो आगे दो मरे दो मुंडा 12 का दड़ा सट्टा दे दिया, सट्टा आ गया अगले दिन मान लो माल है। वो महाराज जी पढ़ नहीं रहे थे जी, फौज में था वो भर्ती, जर्मन वाली लड़ाई में 18 रुपये तनख्वाह के मिला कर दे। तो उस वक्त वहाँ से वो बोला जी मेरे को तो छुट्टी दो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने पिलसनी करके उसकी विवाहनी पिलसन मिला कर दी, जात का राजपूत था। अच्छा जी वहाँ उसने पिलसन मिला कर दी, तकड़ा लंबा जवान मैंने न्यू कहा कर दिया, ओ प्रीति मखा घोड़े के साथ में मैंने दौड़ करी हुई है, घोड़ा मैंने जान नहीं दिया बात जान, आड सिर था जी, खोपरा पूरा पूरा दाकड़ पूरा शरीर था। तो जी चमत्कार देख के काया भी पलटिया करता, शेर बन जाया करता। अच्छा, हाँ, और जी समाधि भी लगाया करता, हमने देखा वो शेर किस तरह बन जा रहा था इंसान। शेर न्यू बना था जी, एक पोपड़े का था। तो जी वो उसके पास में आ करता और वो नट आया करता। तो जी एक दिन वो तंग हो गया और वो डेरे में आ, बाबा बोला भाई भाग जा मैं तन डेरे में ना आया कर, नहीं बोला बाबा जान तो मार दे, मैं नहीं जानता, वो कुंडा पानी का भर लिया जोड़ में तो भर लिया, मैं जाऊँ हूँ घूमण और तेरे पर कोई आपत्ति आ जाए नहीं यूँ कुंडा कर दिए। तो जी वो बुरा शेर बन के आया ना। तो जी उसने जिंदगी में महात्मा ने चेला एक तो स्वरूप गिर रे को चुमार, 2 चेले बनाए जी और चेला नहीं बनाया। उस वक्त तो बुरा शेर बन के दहाड़ मारी ना, तो बस उसने कुंडा डाया उसमें मुँह टेक के नहीं बोला ओ रूड़े तेरा नाम प्रेमदास है, मैंने 12 साल भक्ति करी और 12 साल में 6 तेरी और 6 मेरी बराबर की भक्ति थी जिस दोनों में। जिस दिन सांप लड़ा बुद्ध इसका महात्मा शिल्डी महाराज का सांप लड़ा, उस वक्त जी मैं और एक छन्ना चमार, मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, गांव पोपड़े का हूँ मैं। तो हम दोनों बुलाए, नू बोला प्रेमदास इस वक्त बजिद्दा है और साइकिल पर चढ़ के लियाओ बुला के मेरा सांप लड़ गया। तो जी हम बजिद्दे गए, बाबा बजिद्दे तो चाल फिड़िया, बजिद्दे तो चाल फिड़िया तो आ गया मलक पर। हमने पूछे भाई बाबा, बोला बाबा मलक पर गया, हमने साइकिल दबाए मलकपुर वाले बोले भाई रोटी खा के जौली जा लिया। तो जौली आए, जौली आ गए थे,
हम पाछल लग रहे उसका जोड़ी पर तरह चिलम पी का आन लग रहा था। हम जोड़ी बोले भाई उरे मखा प्रेमदास आया नु बोले भाई पोपड़े बजा लिया गल्ले तो इस जगह पान का जी उसने नारायण करी है गल्ला हमारे लिए। उन्हें ख्याल नारायण महाराज नु बोला मर गया रहा प्रेमदास नु बोला तो उसके लाड कर था सांप की कदम मठो लिया कर रही है कि किसी के प्यारे तेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा कोई दुआई नहीं कोई बट्टी नहीं जी वो ठीक ठाक गुरु चल लिया की उनकी आत्मा एक सांप लड़ गया था। उन्होंने कह दिया कुछ नहीं गुरुराज जी उठ पर सांप लड़ा था जी जा कुछ नहीं बस ठीक हो गया अरे उसने पता लग लिया प्रेमदास ने कि गुरु जी आगे सांप लड़ गया ओ बजिदे तो चल के हरिद्वार तो बजिदा आया बजिदे से चल के मलक पर आया मलक पर तो जौली पर जौली पर जीवूर आया उन्हें पता था बशिली का सांप लड़ गया उनको उनकी झूफड़ी न्यारी न्यारी झूफड़ी में राह कर दे जी। हमने देखा जी हमने और किसी आदमी की ताकत नहीं जी उसका बेश आप बोल जाए बोलने की कोई ताकत नहीं थी। पुलिस का पुलिस वाला आ गया एक दिन बोला वर्दी काट गया जा भाई वर्दी में तो हमने हम आए हाँ वर्दी तो काट गए हैं तो जी हमने देखा सारे उसके हिसाब के तब शेर की डाल आँख बढ़िया कर दी उसके जो मुँह से कह दिया ए अच्छा मैं तेरे खातिर बच्चे ले रहा हूँ मारे इसके पांच दूत उसके खसम पर पांच दूत मराए पांच छोरे हो जी ये चमत्कार चमारा कौन सा चमत्कार था भी पांच जूते मारे पांच छोरे छोरे सतगुरु मेरा बाणिया करता बन व्यवहार बिन डांडी बिन पादड़े जू तोल दिया संसार क्या है की डांडी बनी क्या है के बने बाट क्या है के बन गए पादड़े तुले कौन सी आट सत की तो डांडी बनेगी शब्दों के बन के बाट नृत्य सुरत के दो पादड़े तुले हैं गुरु जी की आट ये जी साधुआ के सत्संग मान के चाहे पापी भी हो वो भी पार हो जाता है जी। हम तो यही कहते हैं जी भाई कर साधा का सत्संग जिनके धूणे बरसा रंग संगत तो साधा की अच्छी।